आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने का उद्देश्य था कि समाज में फैल रहे अत्याचार पर लगाम लगेगी। शराब शरीर और समाज दोनों को दूषित करती है, जिसका खामियाजा पीने वाले से लेकर समाज का हर तबका भुगतता रहा है। सुशासन बाबू यानी सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर दिए, जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला का आयोजन किया। इतना ही नहीं, सुशासन बाबू ने शराबबंदी कानून की जागरूकता के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन अब तक ना तो बिहार में शराबबंदी हुई और ना समाज में किसी प्रकार की हिंसा पर ही रोक लगाई जा सकी। आज पचरू की प्रखंड के सभी गांवों में शराब की बिक्री हो रही है और लोग शराब पीकर सड़कों पर तमाशबीन बने हुए हैं। पुलिस भी शराब बिक्री और शराबियों से परेशान है। पुलिस सायरन धरपकड़ करती रह रही है, लेकिन शराब पीने वालों पर अब तक लगाम नहीं लग सकी। शराब की खाली बोतल देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू है तो शराब की यह खाली बोतलें कहां से आई हैं। यह खाली बोतलें बहुत कुछ बयां करती हैं। सुशासन बाबू, यदि इन खाली बोतलों को देखें तो समझ जाएंगे कि शराबबंदी कानून कितना सफल है। माले कार्यकर्ता ने तो स्पष्ट कहा कि हर गांव में शराब खुलेआम बिक रही है। सिवान से रवि गुप्ता की रिपोर्ट। बताइए, सुशासन बाबू की सरकार में शराबबंदी पर रोक लगाया गया है, यहाँ पर शराब रोक लगा है कि बिक रहा है? देखिए, डबल इंजन की सरकार है और शराब केवल कागज में बंद है। शराब उत्तर प्रदेश से शराब बिहार में मालगाड़ी की तरह आ रहा है और शराब कोई ऐसा गांव नहीं है सिवान में या पचरुखी में जहां शराब बिकता हो, या अंग्रेजी शराब हो या देसी शराब हो, कहीं ना कहीं शराब तो बिक रहा है। और सरकार इस पर क्या विचार करेगी, क्या विचारेंगे? शराब पीकर आज भी लोग मर रहे हैं, जब शराब चालू था तभी लोग शराब के नशे में मर रहे थे, अब बंद है कागज पर तभी भी शराब के नशे में लोग मर रहे हैं। शराब से आए दिन मारपीट हो रहा है, आए दिन केस हो रहा है, थाना भी परेशान है। क्या इसमें लग रहा है कि थाना प्रभारी की मिली भगत से बिक रहा होगा? अगर बिहार का प्रशासन और बिहार का सरकार अगर टाइट हो जाए तो शराब तो बंद हो ही जाएगा, लेकिन बिना सरकार से और प्रशासन से, प्रशासन तो कहीं छापा मार रही है तो कहीं शराब पकड़ा रहा, कहीं शराब नहीं पकड़ा रहा। प्रशासन भी लगी हुई है, लेकिन सरकार की छूट है। सरकार पुलिस को पावर दे दे, बिहार सरकार पुलिस को पावर दे दे तो कहीं हत्या नहीं होगा, कहीं बलात्कार नहीं होगा, एक इंच एक बूंद शराब नहीं बिकेगा। लेकिन पुलिस प्रशासन को सरकार पावर सीज कर दिया है, पुलिस भी परेशान है, आम जनता शराब पी कर मर रहा है। हम क्या कहें, खुद हर जगह शराब बिक रही है। मैं यहाँ का नेता, जिला पार्षद, जयकर तो भाकपा माले,